कि जब तक तोला रहे तब तक आप जितना खा पाए उतना खा सकते हैं। 3 किलो होगा और तोला रहा है, 4 किलो तोला। हाँ 35 रुपए किलो है, तो 1.5 किलो लेंगे तो कितना पैसा आपको देंगे? अब पान कितना जितना हो ना जोड़ के दे दे। तुरे उम्मे होला का ताले पे? अरे तलम कई मनई गड़ ले बात है। हाँ हाँ खेती कर दे हमारे। तो लइकन के छोट छोट लेके बेचो तो दादी कहाँ से बढ़ा लइका ले गई लइकी आवल ना तन संभाल रहे। अच्छा पैसा बताइए एक कुछ जोड़ लो ने लइक ले। डेढ़ किलो लिए कितना पैसा देना है? 25 रुपए किलो है सिंघाड़ा, 1.5 किलो लियो 37 रुपया। तब दादी तू लइकन के ले आओ तो होते बढ़िया तू ही जोड़त हो। कितना बिल बतावा? मानो लइके नहीं हम जान पाए तो लइके नहीं बताई हैं तो हमके बताओ ना हम 1.5 किलो ले तो कितना होई? जब तोहर होशियार बहनी के होई हां तोहर पाछले होशियार के होई हूं तोहर पाछले होशियार के होई हूं। अरे नहीं तब वो तू बतावा ना जब हम हमार दिमाग और कुछ होत जात बा अब हां इनने घबरा गेलो। हां हम ही तो नहीं खाती। आप बताइए अंकल कितना हुआ? अरे खुद बताएंगे हम, बता ही नहीं रहे घबरा जा रही हैं। 35 रुपए किलो हो दादी ना? 35 रुपए किलो है तो 1.5 किलो लेंगे तो कितना पैसा आपको देंगे? अब पान कितना जितना हो ना जोड़ के दे दे। हम कहीं नहीं 40 भेल तो मान जाइबू? नहीं तब कितना मानबू? जितना हो उतना खुद खरीदे वाले थमा दी है। अच्छा कह दें कि चलो 45 बैल हो गई ना तू आ ना हमार तब मन एक बार जब ना दिमाग में आए तब मन ही पड़ जाए ऐसा ना हम ना ही आईला कि ना मन लिख चल जाना जान ही नहीं पाईला। तो यही तो कहा थी दादी लइकन के पढ़ले के उम्र बा तो उनके स्कूले जा पढ़ावे पढ़े दा नहीं तो तू तू सुना हमार बात सुना जैसे तू बुड़बक बन जा लू तो के उल्लू बना के लोग ले चल जाना वैसे उन्हों के ले जाइए। तो यही से लइकन के पढ़े देवे के चाहिए दादी का कहते इन्हन के कहली है तो उनके ना चला था उनके पढ़ाई पे पढ़ा कुल तपुल को थी ना है मनुख चलवा तो कहां बा तलवा कहां से उखाड़ के आवे अंदर में बा बगिया किनार में किन्ना मने बोने एक साथ यहां से हाल तो बोली बात है कौन नाम के ना बनाई के तो कैसे इतवा लगल हुई 3-4 जने साथ में बोले हो आपन 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 तोरो बका तालीम जमी ना ही जैसे मनो केहू ले आए तो खरीद के बेचे खा अगन बैठ के का करी कहां से मिली। अच्छा तो तू उनसे खरीद के फिर हमन के बेचा था? दादी प्रॉपर बिजनेसमैन है वो गांव में तो खरीद के यहाँ बेच रही है यही निकाल सब ले लेने यही निकाल ना सब तो तब ला लेने। मछलियों बेचे थो का? नहीं मछलियाँ बेचे वाला बात है कहीं गई बात है लोग वो के है पतो ही है तू का हमारा लड़का हमारा लड़का है हई 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 ना है दुकानिया बा नहीं है हई दुकानिया बा हई बात है नहीं का पतो ही है। मीट लगा था दादी लेकिन ये बताओ तलवा में सीधे ले लू की धोले हो गए के धोलू है ना हम वही खात है दो धोले वालों बाटू किनाए की पता चल बीमारी ना हो जाए बाहर से कहली हन बहनी सब लोग खा ले सब खैली रहन सब बटोर के देख ले के कह जे ना बटोर के। तो दादी और दादी के दो छोटे बच्चे मिलकर दादी का बिजनेस चला रहे हैं और दोनों नाती नतनी बाटे दादी। लेकिन देखा दादी बात समझा हमार समझत हो किनाए समझत है बोला कि लइकन वइकन के तनी पैसा रुपया में अजुरा के हाँ, पढ़ाई न बर्बाद करावा हाँ, नहीं तो तू ही के मूर्ख बनाइए जैसे लोग बनाओ थे लेके पैसा पहले भुला जाए हैं अब तो पैसा का लालच ना हो जाए। मीठा बहुत है मीठा एक नंबर है ताजा ये ताजा है दादी ताजा, हाँ। तो 4 किलो तौला दादी 4 किलो अब कितना पैसा हुई?
इन्ना तो जोड़े लेबु दादी 25 रुपए किलो भइल तो 4 किलो केन्ना भइल इन्ना तो जोड़े लेबु और लइकवा जोड़ दई केन्ना भइल हो उ जोड़ लेबु 1.5 किलो ना जोड़ पइबो 1.5 किलो कम भाई से 1.5 तो ना जोड़ाई अरे 1.5 किलो ना जोड़ाई और 4 किलो जोड़ा जाई दादी बढ़िया धोले ना ही बाटू धोवे चादर अरे बनी वैसे साफ करना हो कितना पानी देखा क्या तो बड़ी परेशानी हुई पड़ता का नाम है दादी तुआ हां घरे डाका डारे ढेर तो कमात हो ठीक बा फेंक दिए ठीक बा हिल ही नहीं पा रहे हो हां बड़ा टाइट हो रहा है ये हिलने में दिक्कत हो रहा है तो दिन भर यही बेचे लू दादी नहीं कब जालू घरे साजी के कुछ फायदा नुकसान कुछ फायदा बा मिल जाए 25-50 तो उनने लइकन को फसा ले ले हो लइके आए ना लइके खदरात हो जा पढ़ाई लिखाई करो बेटा नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूज रहोगी समझ रही हो ना अभी ये तो बड़ा सीधा सीधा हिसाब है आगे जाके घर गृहस्थी संभालना होगा तब तो हो भैया तुम्हारा कहानी जोड़ी नहीं पाओगी ना चाची देखो कितनी समझदार है चीनी चाय पत्ती सब हिसाब किताब रखे नहीं दुकान बा उनके बैठती हैं दीदी दुकान पे आप बैठती हैं अपने दुकान पे पता है ये छोटे दुकानों में ही संभव है कि जब तक तोला रहे तब तक आप जितना खा पाए उतना खा सकते हैं और तोला रहा है 4 किलो तोला हाँ जो छोटे दुकान है ना उन्हीं पे ये संभव है कि जब ये तोला रहा है तो आप जितना खा सकते हैं खा लीजिए जैसे हम मूंगफली की दुकान पे जब जाते हैं तो जब तक चाचा मूंगफली तोल रहे होते हैं तब तक हम लोग जितना खा पाते हैं खा लेते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं अगर किसी बड़ी जगह पर आप जाएँ तो आपको इतनी छूट नहीं मिलती है कि आप जो है खा लें उसका स्वाद ले सकें बस आप देख सकते हैं पैकेजिंग के इधर उधर बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं रोकती नहीं है दादी जो खाता रहता उसको मना नहीं करती ना ना फ्री है जितना खा पाओ जब तक तोला रहा है तब तक है दादी हाँ खाओ खाले सो घट जाए 4 किलो तब दादी ये रोजगार है और दूसर कौन ना है हमारे इतना खिना बैठी वो झाला आज के ले जाओ बाजार में बेचो कहीं और बेचो तो ये बेचे लो हाँ जब जब ले रही तब ने बाहर निकाल पाई ना तो बेच ले ना तो जब सिंगाड़ा खत्म हो जाए तब का बेच घरे बैठल ला तब घरे बैठल ला वो इनमें का फायदा होती दादी का फायदा होई 1 किलो में 2-4 रुपए बची तो बची नहीं तो ना कोनो में नहीं बची चलिए भैया हम लोग अपना सिंगाड़ा ले लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं लो दादी पैसा अपन जा रहे हैं हम लोग अपना सिंगाड़ा लेने हैं और सिंगाड़ा एकदम जबरदस्त मीठा था।